दोस्तों आज हम लोग आ गए हैं आलू की प्लॉट में और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आलू की फसल में शुरू से लेकर एंड तक, यानी कि जैसे आप लोगों का फसल आलू का लगभग 10 से 15 दिन हो जाएगा उस समय पे कौन कौन सी रोगों का प्रकोप होता है या फिर कौन कौन सी दवाओं का छिड़काव करना पड़ता है, और उसके अलावा जैसे आप लोगों का आलू का फसल लगभग 60 से 70 दिन हो जाएगा उस समय सबसे बड़ी जो दिक्कत होता है आलू की फसल में लेट ब्लाइट का प्रकोप होता है, उसके लिए हम लोग कौन कौन सी दवा को प्रिवेंटिव तरीके से स्प्रे करेंगे, यानी रोग लगने से पहले हम लोग छिड़काव करेंगे ताकि बाद में जाके हमारे फसल में लेट ब्लाइट का प्रकोप ना हो और आलू का फसल लगभग सही तरीके से हम लोगों का मिल जाए। इसीलिए आज की वीडियो में हम लोग शुरू से लेकर एंड तक कौन कौन सी दवाओं का छिड़काव करना है, कौन कौन सी PGR का इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी फंगिसाइड कीटनाशक, सबके बारे में आज हम डिटेल्स में शुरू से लेकर एंड तक बात करेंगे आलू की फसल में। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए वीडियो को आप लोगों को लाइक कर देना है, और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। दोस्तों आलू की फसल में सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है अर्ली ब्लाइट का प्रकोप होता है, और उसके अलावा लेट ब्लाइट का भी प्रकोप होता है, और ये बीमारी अगर आप लोगों का शुरू में एक बार फैल गया और उसको आप लोग देखभाल नहीं करते हैं, यानी कि उसके ऊपर अगर आप लोग ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो दो दिन बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पूरे प्लॉट में आपका फसल बर्बाद हो गया अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट की वजह से। तो ये एक ऐसा ही खतरनाक बीमारी है कि बहुत ही जल्दी ये बीमारी फैलता है आलू की फसल में, और इसीलिए शुरू से आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि आलू की खेती जब हम लोग करेंगे तो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट का प्रकोप हमारे आलू की फसल में लगने ही ना दे। इसीलिए आप लोगों को कौन कौन सी ऊपर ध्यान देना पड़ेगा वो आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। तो शुरू में आप लोगों को लगभग ट्रांसप्लांट करने के बाद जैसे 10 से 15 दिन हो जाएगा उस समय पे आप लोगों को कौन कौन सी दवाओं का छिड़काव करना है वो भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले उस समय पे आप लोगों को इंडोफिल M45 या फिर अगर आप लोगों को वो दवा नहीं मिलता है तो आप लोगों को साफ पाउडर जो बाज़ार में कार्बेंडाजाइम और मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन मिलता है, या फिर वो भी अगर दवा नहीं मिलता है तो आप लोग स्प्रिंट नाम के एक दवा मिलता है जो कि उसमें भी आप लोगों को कार्बेंडाजाइम और मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन इसमें आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा मात्रा में कार्बेंडाजाइम और मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन मिलता है, और इसीलिए इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर आप लोगों का मिलेगा स्प्रिंट तो आप लोग स्प्रिंट का ही प्रयोग करें, या फिर अगर आप लोग नहीं मिल रहा है वो दवा तो आप लोग सांप का या फिर मैनकोजेब यानी जो डाइथेन M45 होता है उसको भी प्रयोग कर सकते हैं, और इसको आप लोगों को लगभग 25 से 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके आप लोगों को छिड़काव कर देना है प्रिवेंटिव से, यानी कि रोग लगने से पहले, और तभी आप लोगों का अर्ली ब्लाइट का प्रकोप देखने के लिए नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ एक इंसेक्टिसाइड को भी आप लोगों को स्प्रे कर देना चाहिए क्योंकि आजकल आलू की फसल में पत्ता मुड़ने वाला जो बीमारी होता है जो कि रस चूसक कीट की वजह से होता है, यानी कि जो सफ़ेद मक्खी होता है या फिर जो एफिड जेसिड थ्रिप्स के वजह से जो पत्ता मुड़ने वाला बीमारी होता है उसका प्रकोप आजकल कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है, और इसीलिए इसके लिए भी हम लोग को पहले से ही ट्रीटमेंट कर देना चाहिए क्योंकि ये बीमारी भी एक बार फैल गया तो ये ठीक नहीं होता है। इसके लिए आप लोगों को बहुत ही अच्छा एक दवा बता रहे हैं जो कि आप लोगों को थाइमेथोक्सेन जो कि 25% WG यानी कि बाज़ार में आप लोगों को एक तरह नाम पर मिल जाएगा, इसको भी आप लोग इसके साथ यानी कि जो साप मैनकोजेब जो बताया हमने कॉम्बिनेशन उसके साथ आप लोग एक तरह को मिला करके यानी कि 3 से 4 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके आप लोगों को एक साथ में छिड़काव कर देने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, बाद में जाके ये बीमारी देखने को नहीं मिलेगी। और उसके अलावा जैसे आप लोगों का आलू की फसल लगभग 25 से 30 दिन हो जाएगा उस समय पे फिर से आप लोगों को एक बार स्प्रे कर देना चाहिए क्योंकि देखिए एक बार अगर शुरू में आप लोग स्प्रे कर दिया तो ऐसा नहीं कि एक बार स्प्रे कर दिया तो पूरे एकदम 70-80 दिन तक इसी में काम करेगा, इसीलिए आप लोगों को लगातार स्प्रे करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम पे। तो लगभग आप लोगों का जैसे 25 से 30 दिन हो जाएगा उस समय पर आप लोगों को सेकेंड स्प्रे में क्या क्या स्प्रे करना चाहिए वो आप लोगों को यहाँ पर हम बता रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों आलू की फसल में सबसे पहले आप लोगों को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कासुगामाइसिन का एक कॉम्बिनेशन मिलता है जो कि बाज़ार में आप लोगों को बहुत सारे ब्रांड नाम का मिल जाएगा, जैसे कि धनुका एग्रीटेक कंपनी का कोनिका नाम पर मिल जाएगा या फिर और भी बहुत सारे कंपनी का मिल जाएगा, लेकिन आप लोग किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रिफर नहीं कि इसी कंपनी का आप लोगों को प्रयोग करना है, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं 25 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में, और उसके साथ साथ एक आप लोगों को पौधे को बढ़वार के लिए यानी पौधे का ग्रोथ के लिए आप लोगों को टॉनिक लेना है जो कि सबसे बेस्ट जो होता है ह्यूमिक और फ्लूविक का कॉम्बिनेशन में मिलता है जो कि आप लोगों को मल्टीप्लेक्स कंपनी का जिब्रस नाम पर भी मिल जाएगा।
या फिर और भी बहुत सारे ब्रांड नाम का मिल जाएगा, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसको भी आप लोगों को 25 से 30 ml लेना है प्रति 15 लीटर पानी में। और उसके साथ साथ और एक कीटनाशक लेना है जो कि पत्ता मुड़ने वाला बीमारी, जो कि पहले आप लोगों को बता चुके हैं इसका प्रकोप भी होता है आजकल आलू की फसल में। और इसके लिए आप लोगों को सबसे बेस्ट जो कीटनाशक होता है एसीफेट और इमिडाक्लोपिड का एक कॉम्बिनेशन मिलता है, जो कि बाज़ार में आप लोगों को ब्रांड नेम जैसे कि लेंसर गोल्ड नाम पे मिल जाएगा UPL कंपनी का, इसको भी ले सकते हैं या फिर और भी किसी कंपनी का ले सकते हैं। और इस तीनों दवा को मिला करके 25 से 30 दिन के अंतराल पे छिड़काव कर देना है आलू की फसल में और सबसे बेस्ट रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आप दोस्तों आलू की फसल जैसे लगभग 45 से 50 दिन हो जाएगा उस समय पर आप लोग को थर्ड स्प्रे करना है। और थर्ड स्प्रे में सबसे पहले आप लोगों को एक फंगिसाइड लेना है जो कि अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट का प्रकोप के लिए सबसे बेस्ट फंगिसाइड आलू की फसल में होता है, क्योंकि इस समय पर ये जो दवा हम बता रहे हैं ये दवा को छिड़काव करने पर अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट दोनों बीमारियों को एक साथ में ये कंट्रोल करता है और प्रिवेंटिव में भी ये रोगों को लगने नहीं देता है। तो ये जो दवा है वो आप लोगों को साइमोक्सिनल और मेनकोजेब का कॉम्बिनेशन में एक दवा मिलता है जो कि बाज़ार में बहुत सारे ब्रांड नाम का मिल जाएगा, जैसे कि डुपोंट कंपनी का कार्जेट नाम पे मिल जाएगा या फिर और भी बहुत सारे कंपनी का मिल जाएगा। इसको लेना है आप लोगों को 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में। और उसके साथ साथ एक टॉनिक लेना है जो कि आप लोगों को सिंजेंटा कंपनी का क्वांटिस नाम पे मिल जाएगा। क्वांटिस क्यों हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें आप लोगों को एमिनो एसिड का कॉम्बिनेशन तो मिलता ही है और उसके साथ साथ इसमें आप लोगों को जो पोषक तत्व होता है वो भी आप लोगों को मिलता है और इसीलिए ये दवा बहुत ही अच्छा कारगर निभाता है आलू की फसल में। और इसको भी आप लोगों को 30 से 40 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके और इस दोनों को एक साथ में मिला करके आप लोग छिड़काव कर देने पर बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आप दोस्तों आलू की फसल जैसे लगभग 60 से 65 दिन हो जाएगा उस समय पर आप लोगों को फोर्थ स्प्रे करना है। और फोर्थ स्प्रे में सबसे पहले आप लोगों को एक फंगिसाइड लेना है, क्योंकि इस समय पर सबसे ज़्यादा आलू की फसल में लेट ब्लाइट का प्रकोप देखने को मिलता है लास्ट समय पर। और लेट ब्लाइट एक ऐसा बीमारी होता है जो कि आप लोगों को एक बार अगर शुरू में फैल गया एक आध पत्ते में तो दो दिन के अंदर ये पूरे प्लॉट में फैल जाता है। इसीलिए लेट ब्लाइट के लिए सबसे बेस्ट जो फंगिसाइड होता है जैसे कि बायर कंपनी का इन्फिनिटो नाम पे मिल जाएगा या फिर अगर सस्ते की बात किया जाए तो सिंजेंटा कंपनी का कवच को भी ले सकते हैं। उसमें आप लोगों को क्लोरोथेनोलिल का कॉम्बिनेशन मिलता है। कवच को लेते हैं तो लगभग 30 से 35 ग्राम लेना है प्रति 15 लीटर पानी में। और इन्फिनिटो को अगर लेते हैं तो 45 से 50 ml प्रति 15 लीटर पानी में लेना है। और उसके साथ साथ आप लोगों को बोरोन पाउडर जो कि बाज़ार में आप लोगों को 20% जो भी बोरोन मिल जाएगा जैसे कि इफ्को कंपनी का मिलता है या फिर बोरोमिल नाम पे मिलता है, बहुत सारे ब्रांड नेम का मिल जाएगा, आप लोग किसी भी कंपनियों का अच्छा ब्रांड का ले सकते हैं। और उसको लेना है 25 से 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में। और उसके साथ साथ एक माइक्रो न्यूट्रिएंट युक्त खाद को लेना है, क्योंकि इस समय पर आलू की साइज को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है और इसीलिए आलू की साइज को बढ़ाने के लिए एक पोषक तत्व युक्त खाद को लेना है। और बोरोन पाउडर तो आप लोगों को पहले बता चुके हैं। तो पोषक तत्व खाद युक्त जो स्प्रे होता है बाजार में एरिज कंपनी का मोबोमिन या फिर मल्टीप्लेक्स कंपनी का प्रो किसान नाम पे मिल जाएगा, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसको आप लोगों को 25 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में लेना है और इस तीनों दवा को एक साथ में मिला करके आप लोगों को फोर्थ स्प्रे में कर देना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और उसके अलावा आप लोग अपना सिचुएशन के हिसाब से भी दवा को प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर जो दवा बता रहे हैं ये आप लोगों को प्रिवेंटिव रूप से बता रहे हैं। आप लोगों का फसल में अगर एक बार फैल गया तो आप लोग और भी बहुत सारे बहुत दवा मिलता है, उसके ऊपर भी मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिया है, तो उसका टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आलू की फसल में आप लोग दवाओं का छिड़काव करते हैं तो आलू की फसल में आप लोगों को कोई भी प्रकार की रोग बीमारियों का प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा। बाकी वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है और अगर कोई सुझाव या सवाल रहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में खाली एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो ले आते रहते हैं।